इतना अच्छा चूल्हा ही जोड़ती है ना, मतलब इतना गांव की कोई औरत। अभी देखो इनका टेक्निक, देखो कितना खतरनाक टेक्निक है इनका, देखो। Hey guys, good morning, welcome back to our channel Sonal Sohan Blog. ये good morning नहीं, अभी good evening होने वाला है, क्योंकि शाम होने वाला है, 4 बज रहे हैं। और एक बार फिर आपका भाई लेके आया है देहाती स्टाइल चिकन, मतलब हम लोग बना रहे हैं चिकन, चिकन भुजा हुआ चिकन, ड्राई चिकन, फ्राई चिकन, और ये बना रहे हैं यहाँ। कढ़ाई चढ़ चुका है और मैं सोचा छोटा सा एक ब्लॉग बना लेता हूँ, क्योंकि कल या परसों एक दो दिन में हम लोग जाने वाले हैं घर अपने, अब गाँव से विदा ले रहे हैं, अब पटना जाने वाले हैं, तो सोचा क्यों ना लास्ट टाइम सब भाई लोग खा लें, हम लोग खा लें, तो फिर क्योंकि गांव का जो खुशबू है ना, मिट्टी का जो खुशबू है गांव का, और जो खाना यहाँ बनता है ना, वो जो नॉनवेज बनता है, क्या बोले यार, मुंह में पानी आया था। अगर आप नॉनवेज लवर हो तो आप समझ सकते हो मेरी ये बात से, आप कैरी कर सकते हो। यहाँ लकड़ी चढ़ चुका है, यहाँ सोनल प्याज काट चुकी है, और वहाँ हैप्पी ला चुका है लकड़ी, सब काम हो चुका है, बस अब बनना बाकी है और हम लोग मज़े लेंगे। तो अगर आप गांव से बिलोंग करते हो तो, या आप शहर से हो और गांव का चिकन टेस्ट कर चुके हो लकड़ी वाला चूल्हा वाला, तो आप मेरे बात से कैरी कर सकते हो कि हाँ, मैंने बात से मतलब तकल्लुफ़ रख सकते हो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलेंगे, तो मेरे बात से सहमत हो सकते हो कि हाँ, चिकन तो मस्त बनता है गाँव का। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, जैसे जैसे होगा प्रोसेस वैसे बताऊँगा मैं आपको। और वहाँ पे अपने आईफोन से और इसे यहाँ पे रील्स शूट कर रहा था, और ये बंदा रील्स मेरा शूट कर रहा था, जो कि बिल्कुल भी अच्छा रील्स नहीं हुआ, और सोनल भी बनाई तो एक रील्स अच्छा हुआ एक ख़राब हुआ। अब बताइए मेरे जैसा लड़का का रील्स अच्छा नहीं बनेगा तो किसका बनेगा, लेकिन फिर भी लोग नहीं बना पाता है, गजब बेइज्जती है। मैंने यहाँ बैठ के तेल डाल दिया और सोनल लेके आ गई ये सब देखो आइटम, पड़ेगा पड़पड़ा के पड़पड़ा के फ़ौरन वाला आइटम है। देखिए यहाँ सोनल ले, हाँ डाल दो, ओह वाह वाह, एक खड़ा लहसुन भी एक, हाँ बस एक नहीं, अच्छा लगता है जी, टेस्टी लगता है। देखिए बेचारी चूल्हा चौकी कर रही है, इतना अच्छा चूल्हा ही जोड़ती है ना, मतलब इतना गांव की कोई औरत अगर गांव में रह रही है 10 साल से शर्म आ जाएगी। सही पकड़े हैं, चूल्हा जोड़ने में उस्ताद है, परांगत है, और इसी कारण दादी बोलती है इसको हम ले जाएंगे अपने साथ। ये देखिए फौरन पड़ गया, ओह माय गॉड, देखिए कलर देखिए, वाह कितना यम्मी लग रहा है। सोनल आज बनने वाला है चिकन, अब तो अभी बन रहा है, और बनाऊंगी पुलाव। पुलाव सिंपल, ओह माय गॉड, पुलाव के नाम से पता है क्या हो रहा है, इधर पानी आ रहा है पानी आ रहा है, तो यहाँ बन रहा है, और चिकन हमारा देखो देसी स्टाइल में, प्योर देसी स्टाइल में चिकन बन रहा है, देखो आप मजेदार। आज इतना धीरे जलेगा जी, हाँ सही तो है, वो जो अच्छा है प्याज भी गल जाएगा तुम्हारा, इकट्ठे कर दोगे ना तो सब जल के अति हो जाएगा। वो देखिए सोनल के मुंह में पानी आ रहा है, हाँ पानी आ रहा है जी। और वो देखो उधर जो है, उधर मेरा काम होने वाला है, उधर एरिया जो दिख रहा है आपको, उधर बहुत जल्दी अपना सैलून खुलने वाला है, ग्रैंड ओपनिंग करेंगे, और सारे सब्सक्राइबर को बुलाएंगे, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं सब आना, गिफ्ट लेके आना, खाली हाथ कोई मत आना। तो दादी को पुलाव बहुत अच्छा लगा, पुलाव अच्छा लगला, ला रहा हूँ ला रहा हूँ। देखिए दादी को पुलाव दोबारा अच्छा लगा, खाइए ना, ये थोड़ा सा ले लीजिए बस, इतना भी नहीं, किशमिश है इसमें, इसमें किशमिश है, किशमिश है, किशमिश किशमिश है। A few moments later, फाइनली देख सकते हो हमारा चिकन बन के रेडी है, और हम चले खाना खाने के लिए। The next day,
तो गाइस देखिए यहाँ काम हो रहा है और ये देखिए यहाँ पे अभी हम लोग जो आए हैं वहां से, तो अभी देख सकते हैं मेरा काम जो है, मैं सोच रहा था यहाँ पे कुछ करने का, देखो यहाँ पे ईटा हट रहा है, ईटा हटवा रहा हूँ इसीलिए कि बहुत दिन से जंजाल लगा हुआ था, कुछ निकल नहीं सकता है इसीलिए। दो भैया यहाँ अभी देखो इनका टेक्निक, देखो कितना खतरनाक टेक्निक है इनका, देखो इतना स्पीड में ही काम कर रहे हैं। लेबर तो बहुत आया लेकिन सब कोड़ी था, ये बहुत मेहनती लग रहे हैं और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। कभी कभी होता है ना कि किसी का काम देख के दिल खुश हो जाता है, वही बात इनमें है। देखिए यहाँ पे मेरा ईटा रखा हुआ था डेढ़ दो साल से, तो अब मैं अपना कुछ धंधा शुरू करने वाला हूँ अपने ज़मीन पे। पुराना ईटा में एक डर भी रहता है कुछ रेप्टाइल्स को, सांप बिच्छू निकलने का, तो ये भी एक डर बना रहता है बहुत ज़्यादा। लेकिन कहते हैं इन लोग बहुत बहादुर होते हैं, लीडर होते हैं। तो गाइस ब्लॉग में बने रहिएगा, और जब ये हटता है और जैसे बाउंड्री होता है तो मैं आपको आगे दिखाता हूँ क्या क्या होने वाला है, ठीक है। मिलते हैं ब्लॉग में, देखते हैं क्या कर पाते हैं हम लोग। और मैं अभी जा रहा हूँ, थोड़ा चाय वाय पीऊँगा, सुबह से उठ के काम में दौड़ा, बहुत दिन दौड़ा यार, बहुत दिन दौड़ा, और आज जाके थोड़ा सा लग रहा है कि दो कदम आगे बढ़े हैं। चलिए मिलते हैं आपसे। कि अभी यहाँ पे काम मेरा चालू है और मिस्त्री जी कर रहे हैं, देखो यहाँ पे इतना ये सब ईटा का अलग वो अरेंज करेंगे जो टूटा फूटा है, और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। देखो एक ये केमिकल लाए हैं, थायमेट बोलते हैं उसको, ये बोल रहे थे कि सर थायमेट मंगवा दीजिए, मान लीजिए पुराना ईटा है तो ईटा एक्चुअली बोलते हैं 9-10 साल से रखा हुआ वहाँ पे, क्योंकि 9-10 साल पहले इधर साइड था जहाँ पे रखा रहा है, फिर उधर किया गया, तो मतलब 8-9 साल से कोई इसको छुआ नहीं। तो पुराना ईटा में आपको पता है बहुत तरह के प्रकार के जीव जंतु हो सकते हैं, जैसे कि कोबरा स्नेक हो सकते हैं, कॉमन करैथ हो सकता है, रसल वाइपर हो सकता है, कोई भी स्नेक्स हो सकता है। तो ऑब्वियस ही बात है बेचारा उन लोग देख, आप वीडियो में दिखाऊंगा कैसे उठा रहा है जल्दी जल्दी, हाथ पे डसने का डर रहता है, और फिर क्या हो सकता है आपको पता है, अगर एक बार काट लिया नहीं तो आदमी मारा जाएगा। तो मैं टमाटर बंद करने के लिए बोल रही हूँ, इतना अच्छा वीडियो गजब बेइज्जती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे वो हटाते हैं, इसीलिए उन्होंने बोला मैं तो, क्योंकि थायमेट पता नहीं, मुझे नहीं पता था, सोनल तो बता रही है कि इसके पापा लोग भी थायमेट वगैरह फूल पौधा में छिड़ते थे ना, वो क्या करते हैं ना जब भी कीड़ा लग जाता है ना पेड़ पौधे में, तो उसके लिए डालना रहता है थायमेट, लेकिन बहुत पॉइजनस होता है वो। बहुत पॉइजनस होता है ये बोल रही है। तो ये बोलते हैं छिड़ देने से क्या होता है, सांप वाप वगैरह रहता है तो पीछे भाग जाता है या निकल जाता है, तो अभी छीट रहे हैं वो, उसका महक स्मेल बर्दाश्त नहीं कर पाता है। उसका महक और स्मेल बर्दाश्त नहीं कर पाता। चलिए नेक्स्ट टाइम वो छीटते तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ से भाग के वो साइकिल से ले जाते हैं वैसे। मैं 10 दिन से मैं दौड़ रहा था, एक दो लेबर आ रहा था, पैसा ज़्यादा समय ज़्यादा मोड़ रहा था, और आपको पता है कि यहाँ चलो बहुत खुशी की बात है कि कुछ तो काम आगे बढ़ा। अब देखते हैं आगे क्या करते हैं, क्या होता है, क्योंकि अभी जब तक कुछ नहीं हो रहा है तो लाइफ के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, इसीलिए मैं और सोनल यहाँ है, इस पर करें कुछ उन्नति करें। नेट मैं रात में यहाँ छोड़ दिया, इसको गिलहरी लेके भागने की कोशिश कर रहा था घींच के अपने मुँह से। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे किस लेवल पे हट चुका है सारा चीज़, ये सारा हट चुका है और थोड़ा बहुत बाकी है यहाँ पे, और मिस्त्री जी वहाँ पे लगा रहे हैं। आप देखो मैं आपको क्लोज करके दिखाता हूँ, देखो कितने बढ़िया से ये लगा दिए। The next day, गाइस आज दूसरा दिन है और लगभग हमारा सारा काम कंप्लीट हो गया। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये क्या देख रहे हो आप, उधर मत देखो मेरे को देखो। Hey, देखो ये मेरा सारा ईटा यार साइड में रख दिया मैंने, एकदम साइड में, एकदम जमीन से दूर, और देखो यहाँ मैंने सारा चीज़ अभी क्लियर हो गया। बहुत सारे रेप्टाइल्स वगैरह निकले थे बहुत सारे, और देखो मैं अभी झाड़ू दिलवा रहा हूँ, उधर बहुत मच्छर हो जाता है ना, काफ़ी मच्छर है, तो झाड़ू दिलवा के मैं सब क्लियर करवा दूँगा और जलवा दूँगा सबको, और कल ये सब भी साफ होगा। क्या क्या साफ करवाया है हाँ मैंने, फील्ड में तो काफ़ी बार मैंने झाड़ू दिलवाया पूरे फील्ड में,
पूरे फील्ड में मैंने देखो यहाँ क्या क्या साफ करवाया। ये देखो मेरा गैराज है, ये पूरा क्लीन मैंने करवा दिया, ऊपर से नीचे तक मैंने क्लीन करवा दिया, एकदम क्लियर, देखो क्रिस्टल क्लियर, एक भी गंदगी नहीं, और रोज झाड़ू दे रहा, सब चीज साफ है। फिर आपको मैं दिखाता हूँ फील्ड, देखो कई बार मैंने सोनल ने झाड़ू दिया, लेबर ने भी दिया, और ये एरिया मैंने एक बार जलवा चुका है, साफ करवाया, अब दूसरा बार भी मैं साफ करवा रहा हूँ, और इसको भी बराबर मैं करवाऊंगा, पूरा बराबर होगा।